जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रावर्तन। सबसे पहले प्रकाश के प्रावर्तन को हम अपने व्यवहारिक जीवन में हो रहे गतिविधियों के आधार पर समझेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा लिखी है, परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद में इसका चित्र ड्रा करेंगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे इतने सारे पॉइंट्स आएंगे, इन पर बात करेंगे, इनकी परिभाषा को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों क्या है कि आपने कभी ना कभी जरूर ये किया होगा, ये एक क्या है, शीशा। शीशा को ले जाते हैं आप और धूप में जब जाते हैं तो जब सूर्य को कुछ इस प्रकार से इसको दिखाते हैं तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो आकर इस शीशे पर पड़ती हैं और इस पर पड़ने के बाद में फिर ये वापस टकराकर लौटती हैं। तो जब ये लौटती हैं तो लौटने वाले प्रकाश को क्या करते हो, कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर किसी के चेहरे पर जरूर किए होंगे। तो ये जो क्रिया होती है ये एक प्रकाश के प्रावर्तन की क्रिया के द्वारा ही होती है, इसी को प्रकाश का प्रावर्तन कहा जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो परिभाषा लिखे हैं इसको यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रकाश के किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रावर्तन कहलाती है। यानी कि कोई प्रकाश आ रहा है और चिकने तल पर जब वो टकराता है तो वो वहां से वापस लौट जाता है, यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है प्रकाश का प्रावर्तन। अब हम इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक दर्पण बना लेते हैं या फिर आप कहिए कि ये एक चिकना तल है, तो इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं यमोन है और यमटू। यानी यमोन यमटू ये क्या है, ये एक चिकना तल है। क्या है, चिकना तल है। तो ये हमारा एक चिकना तल हो गया। अब इस चिकने तल पर, चूंकि अभी हम प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पर पढ़े कि किसी भी चिकने तल में मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश किरण आती है और आकर इस चिकने तल से टकराती है। तो जब ये प्रकाश की किरण आई और इस चिकने तल पर टकराई तो टकराने के बाद में क्या होगा कि ये वापस लौटेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये वापस लौट जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये वापस लौटेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह प्रकाश की किरण जो आकर इस चिकने तल पर पड़ती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण। उसके बाद में ध्यान दीजिए, जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर पड़ने के बाद में वापस लौट जाती है तो इस वापस लौटने वाले प्रकाश किरण को हम बोलते हैं प्रावर्तित किरण। तो इसको हम लिख देते हैं प्रावर्तित किरण, ये हमारा हो जाएगा किरण। तो ये हमारा हो गया प्रावर्तित किरण। हमने यहां पर जान लिया आपतित किरण और प्रावर्तित किरण को। अब ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु है यानी कि ये जो हमारा चिकना तल है, इस चिकने तल का वह बिंदु जहां पर कोई प्रकाश की किरण, यहां से हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है या उसी बिंदु से प्रावर्तित होती है उस बिंदु को हम बोलते हैं यहां पर आपतन बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो इसको हम लिख देते हैं आपतन बिंदु। इतनी चीजें हो गई। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहीं पर ये जो हमारा आपतन बिंदु है इस आपतन बिंदु पर एक लंब रेखा खींचे, ये जो हमारा आपतन बिंदु है इस आपतन बिंदु पर अगर हम एक यहां पर बीच में लंब रेखा खींचे इससे जाती हुई तो ये जो रेखा हमारी होगी ये कहलाएगी अभिलंब। तो इसको हम लिख देते हैं अभिलंब। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यानी कि क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण आकर किसी चिकने तल पर या दर्पण पर पड़ती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद में दर्पण पर पड़ने के बाद में जो प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रावर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित या प्रावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और अगर आपतन बिंदु पर एक लंब रेखा खींचे तो इस लंब रेखा को क्या हम बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है इसके बीच में, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ये चीज आप ध्यान में रखिए कि जो हमारा आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो बना कोण होता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और उसके बाद में ये जो हमारा प्रावर्तित किरण है, ये वाली किरण, और ये जो हमारा अभिलंब है इसके बीच में ये जो बना कोण होता है इसको हम बोलते हैं प्रावर्तन कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रावर्तन कोण। तो ये हमारा हो गया प्रावर्तन कोण। अब ध्यान दीजिए,
ये जो हमारा आपतन कोण है इसको हम लिखते हैं आई से, और ये जो हमारा परावर्तन कोण है इसको हम लिखते हैं आर से। और ध्यान दे दीजिए यहां पर कि ये जो आई है यानी कि ये जो कोण आई होता है ये बराबर होता है कोण आर के। ये चीज आपको हमेशा यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये जो अभिलंब होता है ये इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के ठीक मध्य बिंदु से होती हुई जाती है। तो इसको दो भागों में डिवाइड करती है, तो दो भागों में डिवाइड करेगी तो ये दोनों बराबर होंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट को लिखकर लिखा है, यानी कि पहला हमारा है परावर्तक पृष्ठ, दूसरा है आपतित किरण, तीसरा है परावर्तित किरण, चौथा है आपतन बिंदु, फिर अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ध्यान दीजिए सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ पर। परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा चिकना तल है या फिर ये जो हमारा यम1 यम2 ये जो चिकना पृष्ठ है इसी पृष्ठ को क्या हम बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा को अगर आपको लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हैं वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये आपका होता है परावर्तक पृष्ठ का परिभाषा, और ये जो आपका यम1 यम2 चिकना तल है अर्थात चिकना पृष्ठ है यही आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो ये आपका हो गया परावर्तक पृष्ठ। यहां से हमने पहले पॉइंट को समझ। तो अब हमारी बारी आती है इस आपतित किरण की अर्थात ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसकी। तो इसकी अगर हमको परिभाषा लिखना है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वह प्रकाश की किरण जो किसी चिकने तल से जाकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। तो यहां पर आप आपतित किरण की परिभाषा में ये लिख सकते हैं। उसके बाद में अब हमारा अगला पॉइंट आता है परावर्तित किरण अर्थात ये वाली जो प्रकाश की किरण जो हमारी लौट कर गई है इसकी बात करनी है। तो इसकी अगर परिभाषा को लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वह प्रकाश की किरण जो किसी चिकने तल से टकराने के बाद वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। तो ये आपका हो गया इस परावर्तित किरण की परिभाषा। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है आपतन बिंदु अर्थात ये वाला बिंदु। ये वाला बिंदु कहां पर स्थित है? इस परावर्तक पृष्ठ पर स्थित है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि परावर्तक पृष्ठ का वह बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित तथा परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु की परिभाषा। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है अभिलंब अर्थात ये वाली जो हमारी रेखा है अभिलंब इसकी बात करनी है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं यानी कि ये जो हमारी पॉइंट है यानी आपतन बिंदु है इस आपतन बिंदु पर जो खींची गई लंब रेखा यही हमारी क्या है? अभिलंब है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है आपतन कोण अर्थात ये वाला जो बीच वाला कोण है ये। तो इसकी अगर परिभाषा लेनी है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहां से आप आपतन कोण को भी जान गए अर्थात ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच का जो कोण है इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है परावर्तन कोण। तो इसकी भी परिभाषा लिखनी है यानी कि ये वाला जो कोण है इसकी परिभाषा लिखनी है। तो ये हमारी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में स्थित है। तो यहां से लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य स्थित कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, इसको आई से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है नियमित परावर्तन और दूसरा हमारा होता है अनियमित परावर्तन। तो इस चीज का हम सबसे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में इस पर बात करते हैं। यहां पर हमारा पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है इस चीज को सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि एक समतल पृष्ठ होता है और जब समतल पृष्ठ होगा तो इसमें मान लेते हैं कि एक बिंदु से कुछ इस प्रकाश से प्रकाश की किरण गई, ये हमारी क्या हो गई? आपतित किरण। और फिर उसके बाद में इस बिंदु पर जब पड़ी तो ये हमारी यहां से परावर्तित हो गई।
इतनी बार। फिर यहीं पर अगर यहां पर कोई एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है तो ये जब यहां पर जाएगी तो इस बिंदु पर टकराएगी, तो यहां पर क्या होगा, ये फिर कुछ इस प्रकार से यहां से ये वापिस हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में यहीं पर अगर कोई एक प्रकाश और है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये यहां पर टकराया, तो यहां पर ये टकराने के बाद में कुछ इस प्रकार से यहां से परावर्तित हो जाएगा। तो यहां पर जो नियमित परावर्तन का कहने का मतलब है वो क्या है, यहां पर क्या होगा कि अगर ये जो आपतन कोण है, यानी कि यहां पर ये जो आपतित किरण है और यहां पर जो आपतित किरण है, इसके मध्य में जितनी दूरी आपतित होने में हुई है ठीक उतनी दूरी इसके मध्य में भी होगा। अर्थात ये नियमित है, अगर इस प्रकार से गई है तो ये इस प्रकार से, ये नियम से अगर यहां पर समांतर प्रकाश की किरणें गई हैं तो यहां परावर्तित होने के बाद में परावर्तित किरणें जो निकलेगी वो भी हमारी समांतर ही होंगी। तो ये हमारा होता है नियमित परावर्तन। तो इस चीज को यहां पर आप जान चुके, अब हम बात करेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि नियमित जो परावर्तन होता है वो एक समतल तल में होता है। अब हम बात किस पर करेंगे, अनियमित, तो यहां पर लिख देते हैं अनियमित। अब ध्यान दीजिए, अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो तल होता है वो समतल नहीं होता, अर्थात खुरदरा तल होता है, ये कुछ इस प्रकार से तल होता है। इस प्रकार से अगर कोई चिकना तल है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गई, तो जब ये इस प्रकार से गई तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर परावर्तित होगी, अर्थात ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हुआ और जैसे ही इस चिकने तल पर पड़ा ये फिर परावर्तित हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब ये यहां पर आया तो ऊंचे वाले तल पर पहुंचा, तो ऊंचे वाले तल पर पहुंचने के कारण क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कुछ इस डायरेक्शन में चला गया, इस प्रकार से परावर्तित हो गया। ऐसे मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण भी इस प्रकार से आए तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात यहां पर कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो जिस प्रकार से आपतित हो रही थी, जैसे समांतर आपतित होंगी, तो यहां पर जब ये परावर्तित होंगी तो ये समांतर नहीं रह जाएंगी। क्यों नहीं रह जाएंगी, क्योंकि यहां पर ये जो हमारा तल है ये कैसा है, खुरदरा तल है। अब जब ये खुरदरा तल है तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस प्रकार से होगा, तो ऊंचा नीचा होने के कारण आई तो ये समांतर है, लेकिन जैसे ही इस तल पर पड़ेगी, ये जो हमारा तल है इस पर जब पड़ेगी तो खुरदरा होने के कारण, ऊंचा नीचा होने के कारण ये परावर्तित होंगी, तो ये समांतर नहीं रह जाएंगी। तो ये हमारा होता है अनियमित परावर्तन, या फिर इसको आप कह सकते हैं विसरित परावर्तन। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे, तो इस चीज को यहां से मिटा देते हैं और अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। यहां पर हम इसको मिटाते हैं और हेडिंग हमारा क्या होगा, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम हमारा क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहला नियम क्या होगा, पहला नियम हमारा ये होगा परावर्तन का कि आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होंगे, ये हमारा पहला नियम होता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जैसे क्या है कि हम जब चित्र बनाए थे तो उसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था, एक प्रकाश की किरण गई थी इसको हमने आपतित किरण कहा था, ये वाली प्रकाश इधर गई थी इसको हमने परावर्तित किरण कहा था, ये वाला बिंदु हमारा आपतन बिंदु था और ये हमारा क्या था, ये एक अभिलंब था। ठीक है, ध्यान दीजिए जो परावर्तन का पहला नियम होगा वो क्या होगा कि आपतन बिंदु, अर्थात ये वाला बिंदु, ठीक, उसके बाद में आपतित किरण, तो आपतित किरण आकर किस बिंदु, किस तल पर पड़ी, इसी वाली तल पर पड़ी, उसके बाद में परावर्तित किरण इसी तल से निकल कर गई और उसके बाद में अभिलंब इसी तल से निकल कर गई, एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये जो हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है और आपतन बिंदु है, ये एक ही तल में होते हैं, अर्थात इसी तल में ये पाए जाएंगे। तो ये हमारा होता है परावर्तन का पहला नियम। उसके बाद में परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण होता है, अर्थात ये वाला जो कोण होता है और ये वाला कोण, अर्थात आई जो होता है और ये आर जो होता है, ये दोनों बराबर होता है। जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। अब ये कोण आई और कोण आर क्या है, कोण आई हमारा क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, और बराबर क्या होता है, ये वाला जो हमारा कोण है वो क्या है, परावर्तन कोण।
प्रावर्तन कोण। तो यहां पर जो हमारा पहला नियम था वो था आपतित किरण, प्रावर्तित किरण और अभिलंब और उसके बाद में आपतन बिंदु एक ही तल में होंगे, ये प्रावर्तन का पहला नियम है। जहां पर भी प्रावर्तन होगा ये चीज, ये कंडीशन होंगे। उसके बाद में दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि जहां पर भी प्रावर्तन होगा वहां पर साइन, यहां पर ये जो हमारा कोण मतलब आपतन कोण है और जो प्रावर्तन कोण है वो दोनों यहां पर ये बराबर होंगे। तो ये हमारा हो गया प्रावर्तन का नियम, और यह जो हमारा आज का टॉपिक था वो था प्रकाश का प्रावर्तन। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।